कैसे हो आप सब। जैसे कि मैंने जो पहले दो वीडियो में जो मैंने आर्टिकल पढ़ाए हैं आपको, वो तो क्लियर हो ही गया होगा। अब आगे की ओर हम प्रस्थान करते हैं, जिसमें हम आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 से लेके 61 तक जाएंगे। अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48, इसमें कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 48 क, यह पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा के बारे में कहता है। अनुच्छेद 49, यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताता है। आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50, यह कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथकता के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 51, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में कहता है। अनुच्छेद 52, यह हमें बताता है कि एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, यह हमें बताता है कि सारी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54, यह हमें बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं और साथ ही साथ विधान सभी राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के भी लेजिस्लेटिव मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55, ये बताता है कि इलेक्शन का तरीका क्या होगा। इसमें होता क्या है कि एकल सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट और सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल के हिसाब से वोटिंग होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए यूपी ले लेते हैं, अगर उसका कोई मेंबर होगा विधानसभा का तो उसका वोट का प्रतिशत ज़्यादा माना जाएगा उसके प्रतिशत में, अगर जहाँ की जनसंख्या कम है अगर वहाँ से कोई विधायक आता है तो, ठीक है। और लेकिन राज्यसभा और राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें इस चुनाव में केवल जितने भी प्रतिनिधि खड़े होते हैं उसमें प्रेफरेंस फील करना पड़ता है। मतलब तुम्हारी पहली पसंद क्या है, दूसरी पसंद क्या है, केवल एक को वोट नहीं देना होता है। अनुच्छेद 54, यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों के बारे में बताता है कि कौन कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं। इसमें लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर यानी जिनका चयन हुआ है वो, और जितने भी राज्य के विधानसभा हैं उनके इलेक्टेड मेंबर, और साथ ही साथ दो यूटीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मेंबर, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी के भी मेंबर पर भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55, ये हमें इलेक्शन का क्या तरीका होगा राष्ट्रपति चुनाव में उसके बारे में बताता है। इसमें दो तरह की प्रक्रिया होती है, एक होती है चुनाव एकल संक्रमणीय मत और दूसरा होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चलो इसको समझते हैं कि होता क्या है। एकल संक्रमणीय मत मतलब हुआ ये कि जैसे कि हम जो वोट देंगे वो किसी एक मेंबर को पार्टिकुलर नहीं देंगे, उसमें हम प्रेफरेंस फील करेंगे, हम पहले पसंद क्या है दूसरी पसंद क्या है, ठीक है। और जो हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है उसमें हम देखते हैं कि उसमें किसी भी जो भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है उसका वैल्यू क्या है, उस वोट की वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं। पहले राज्य विधानसभा के जो विधायक है उनके वैल्यू निकलता है, राज्य की कुल जनसंख्या भाग विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या
भागे 1,000। अगर हम संसद के निर्वाचित सदस्यों का मतमूल निकालना है तो उसमें हम राज्य विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्यों के मतों का सामूहिक मूल भागे संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, तो इससे हम इसको निकाल सकते हैं 56। ये राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जानकारी देता है कि उसकी कार्यकाल कितना होगा। जैसे कि हम जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह तब तक काम करता है जब तक कि अगला राष्ट्रपति उस पद को धारण करने के लिए नहीं आ जाता। अनुच्छेद 57, ये राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव के बारे में बताता है। दोबारा हमारे संविधान में राष्ट्रपति कितनी ही बार चयनित हो सकता है राष्ट्रपति पद के लिए, इसमें कोई सीमा नहीं है। जैसे कि अमेरिका के संविधान में केवल 2 ही बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है। 58, ये हमें राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में जानकारी देता है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की। सबसे पहली कि वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो भारत पैदा ही हुआ हो या ना हुआ, लेकिन उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति बनने का सबसे सीधा प्रावधान ये है कि वो देश का नागरिक होने के साथ साथ वहाँ का जन्म भी अमेरिका का ही होना चाहिए, और साथ ही साथ उसको 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। साथ ही साथ चुनाव के समय लाभ का पत्र धारण नहीं किया हो, मतलब कि कोई भी सरकारी पद पे उस टाइम ना हो जब उसकी ज्वाइनिंग हो रही हो। अनुच्छेद 59, यह हमें स्थिति बताता है प्रेजेंट ऑफिस की, मतलब कि राष्ट्रपति कार्यालय के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति जो होना चाहिए ना ही वो उच्च सदन ना ही निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए और ना ही किसी राज्यसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर उस स, 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 किसी भी इन सब में से किसी भी पद पर है तो वो उसे ज्वाइनिंग जिस दिन उस राष्ट्रपति पद उसे धारण करना उससे पहले उस पद का त्याग करना होगा। और इसमें उसके इनकम के ये भी बताया गया कि उसकी वेतन को कम नहीं किया जाएगा चाहे आपातकाल ही क्यों ना लगा दिया जाए। अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानकारी मिलती है कि जब राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने जाता है तो उससे पहले उसे विधि की शपथ लेनी होती है। ये शपथ भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिलाई जाती है यदि वो उपस्थित ना हो तो। जो सबसे वरिष्ठ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उन्हें शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61, इसमें महाभियोग के बारे में जानकारी मिलती है। अगर राष्ट्रपति कोई नियम संविधान के नियम को पालन करते हुए नहीं पाया जाता तो कोई भी सदन उसके खिलाफ महाभियोग ला सकता है, लेकिन महाभियोग की जानकारी उसको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित दी जाती है। ये लिखित तभी जारी होती है जब 100 से अधिक लोग उस पे साइन करके सहमत हों। फिर उसके बाद किसी भी सदन में ये स्टार्ट हो जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। अगर एक सदन में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो फिर वही दूसरी सदन में जब 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है और जो नया राष्ट्रपति नियुक्त होगा उसको 6 महीने के भीतर ही उसको नियुक्त करना पड़ता है। आपको कैसा लगा वीडियो आपने कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ कमी महसूस हुई होगी इस वीडियो में तो आप बता सकते हैं।
अगली कड़ी में हम इसके आगे के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, और जो हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल 51A या फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल रह गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।